हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। अक्सर हमारे चावल रात को बच जाते हैं, उन्हीं से बनाएंगे हम वेजिटेबल कटलेट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए लेंगे हम एक कटोरी चावल, एक आलू उबला हुआ और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें वेजिटेबल डालेंगे जो हम, उसके लिए लेंगे हम थोड़ी सी फ्रांस बीन्स, थोड़ी सी शिमला मिर्च, कसा हुए गाजर, थोड़ा से हरा धनिया, थोड़ी सी प्याज और एक हरी मिर्च। अब एक हम बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले डालेंगे हम अपने चावल। अब इन्हें हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से दबाते हुए मैश करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने कसा हुआ रखा है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें अपनी वेजिटेबल डालेंगे, ये फ्रांस बीन्स डाल देंगे, शिमला मिर्च, गाजर, हरा धनिया। अब डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसमें डालेंगे हम अपना कॉर्नफ्लोर जो हमने 4 चम्मच के करीब रखा है। इसमें डालेंगे आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर आधा चम्मच। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से हम हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे एक डो की तरह बना लेना है। इसमें पानी नहीं डालना हमें, क्योंकि इसमें हमारे आलू हैं तो इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा बन चुका है डो। इसमें हम थोड़ा सा चिकनाई का हाथ भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये एकदम हमारा अच्छा बन गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा तोड़कर इसे हाथों से दबाते हुए गोल टिक्की की तरह से बनाएंगे। आप जैसा बनाना चाहें वैसा इसे आकार दे सकते हैं। मैं इसे एक गोल टिक्की की तरह बना रही हूँ। इस तरह से इसे बना लें। इसे एक प्लेट में रख दें। इसी तरह से हम दूसरे भी को भी बनाएंगे। ये आराम से बन रही है हमारे। इस तरह से गोल करते हुए बना लें। इसी तरह से हम अपनी ये सारी टिक्कियां बना लेंगे। देखो दोस्तों, ये हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। उसके लिए पहले से ही हमने ऑयल गरम करके रखा हुआ है। अब इसमें हम एक एक करके इन्हें डालेंगे। आराम से डालें। इसी तरह से हमने अपनी सारी टिक्कियों को ऑयल में डाल लिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे।
5 मिनट के बाद हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारी कटलेट को पलट देंगे। जब ये हमारी हल्की सी ब्राउन हो जाए तो हमारे इन्हें निकाल लेंगे। देखो हल्की सी ब्राउन हो गई, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखो दोस्तों हमारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। देखो एकदम टेस्टी, कोई हमारे घर में मेहमान आए हम उन्हें भी बनाकर खिलाएं, बच्चों को भी स्कूल के लिए स्नैक्स बनाकर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।